सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। और हम लोग तो बचपन से, चूँकि हम जिस विचार में काम करते हैं, हम लोगों ने बचपन से सपना देखा था, वो सपना हमारा साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में माहौल हुआ, फिर किसान आंदोलन में एक निर्मम हत्या कर दी गई है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि किस चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है, ये क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं? नहीं, जहाँ तक हमारे उत्तराखंड का प्रश्न है, हम लोग, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, सैनिक परिवार से भी हूँ, किसान परिवार से भी हूँ, उनके बीच से हूँ। हम लोग लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगातार किसानों के लिए, आज किसान सम्मान निधि योजना हो, अन्य योजनाएं हो, किसानों की आय दुगनी कैसी हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के सारे किसान ये बात समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अभी ये जाना जा रहा है कि आप उत्तराखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भी राजनीति करेंगे, क्या है मामला? नहीं नहीं, अभी मेरे पास उत्तराखंड का काम है, उत्तराखंड की जनता की सेवा करूँ। मेरी पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने मुझे उत्तराखंड का ही काम दिया है और ये मेरा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मेरी धार्मिक यात्रा है। अभी जी, सर एक सवाल इधर से, सर कांग्रेस का कहना है 4.5 साल तक उत्तराखंड में किसी को याद नहीं आई अयोध्या की, भगवान राम की, कुछ महीने बचे हैं चुनाव में तो दर्शन करने आ रहे हैं। अभी मैं बना कितने दिन हूँ, बने हुए मुझे कितने दिन हुए हैं, नहीं नहीं, मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, या राम जानकी महल ट्रस्ट में, ये साकेत महाविद्यालय में मेरा कई बार आना हुआ है, कम से कम 50 बार मैं यहाँ आया हूँ और बहुत लगाव है। और हमारे श्रद्धेय भाई साहब बैठे हैं, आदरणीय लल्लू सिंह जी, आपके सानिध्य में रहकर हमने बड़ा काम किया है, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनके लिए उनका चश्मा हो सकता है ऐसा देखने। सात सांसद हैं, पांच नहीं अभी देखिए। आप देख रहे